नमस्कार दोस्तों, 20 जनवरी को मैंने अपना PS5 कंट्रोलर भेजा था sagecontroller.com को और पूरे 4 दिन बाद ये मेरा DualSense कंट्रोलर का ये हाल करके भेजा है। और अब इसमें स्टिक ड्रिफ्ट, जो कि सोनी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी फीचर माना जाता था, वो इसमें नहीं हो रहा है। हमारा पॉइंटर एकदम बीच में रहता है। तो ऐसा क्या किया सेज कंट्रोलर ने इस कंट्रोलर के साथ, चलिए आज विस्तार में बात करते हैं और मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि ये सेज कंट्रोलर ने सही किया या गलत। मेरा नाम है ध्रुव राठ, माइनर टेक टिप्स, और आप देख रहे हो वही चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सेज कंट्रोलर वालों ने बॉक्स एकदम ओरिजिनल रखा है ताकि किसी को पता ना चले कि इस कंट्रोलर के साथ उस रात क्या हादसा हुआ था। अंदर खोला तो पता चला कि हमारा कंट्रोलर बुरी तरीके से जख्मी है। व्हाइट कंट्रोलर खून से पूरा रेड हो चुका है एंड इन्होंने इसके ऊपर अपना अंदर का आर्टिस्ट को जगाने का पूरा कोशिश किया है एंड 100% सक्सेसफुल भी हो चुका है। क्या डिटेलिंग है! एक साइड में पायरेट शिप, दूसरा साइड में उसका कमांडर एंड बीच में द पायरेट हिमसेल्फ, मंकी डी लुफी और लफी। आखिर कौन है ये मंकी डी लफी? खैर, हमें उससे क्या। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पूरा का पूरा कंट्रोलर अभी सुपर स्मूथ फील हो रहा है, इंक्लूडिंग द फेस बटन्स, जो कि पहले वाले कंट्रोलर में काफी रफ फील होता था, थैंक्स टू द सुपर सॉफ्ट पेंट फ्रॉम sagecontroller.com। इन्होंने इस कंट्रोलर के ऊपर कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन किया है जिससे इसका साइड ग्रिप्स पर एलर्जी हो चुका है। अब यह कंट्रोलर पहले से काफी ज्यादा ग्रिपी फील होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे मुझे ज्यादा देर तक गेमिंग करने का मन करता है और मैं अपने काम पर अभी बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। थैंकफुली इसका एडाप्टिव ट्रिगर्स बिल्कुल इंटैक्ट है एंड इस पोर्शन को उन्होंने कोई खास मकसद के लिए ही छोड़ा होगा। अब इस बेचारे कंट्रोलर के साथ जो सबसे बड़ा हादसा हुआ है वो ये है कि सेज कंट्रोलर वालों ने इसका जो ओरिजिनल एनालॉग स्टिक्स है उनको निकालकर इसके अंदर हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स या फिर एनालॉग स्टिक्स को इंस्टॉल किया है और इसलिए इसके अंदर अभी किसी भी तरह का स्टिक ड्रिफ्ट नहीं है और ना ही ये पूरे जिंदगी में कभी स्टिक ड्रिफ्ट पैदा कर पाएगा। सो सॉरी। क्योंकि हॉल इफेक्ट स्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए काम करता है, इसीलिए इस कंट्रोलर में बेसिक एनालॉग स्टिक्स की तरह कुछ दिनों में या फिर कभी भी स्टिक ड्रिफ्ट नहीं आएगा। बट मेरे को फिर भी डाउट था कि क्या वाकई में इसके अंदर हॉल इफेक्ट सेंसर्स लगा हुआ है या फिर सेज कंट्रोलर वाले कोई स्कैम चला रहे हैं। फॉर्चुनेटली इस टेस्ट को करने के लिए मेरे पास पहले से कुछ नियोडाइमियम मैग्नेट्स था और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हॉल इफेक्ट सेंसर्स है या फिर हॉल इफेक्ट स्टिक्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए काम करते हैं। तो मैंने सिंपली क्या किया, अपना कंट्रोलर को पीसी के साथ कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद इन स्टिक्स के साइड से ये जो मैग्नेट्स है उसको यहाँ पर थोड़ा सा हॉवर किया, जिससे क्या हुआ, आप देख सकते हो हमारा जो रीडिंग्स है या फिर जो कोऑर्डिनेट्स है इन स्टिक्स का, वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। और सेम चीज़ मैंने ये ओरिजिनल कंट्रोलर के साथ भी दोहराया, बट इन कंट्रोलर के साथ ये जो रीडिंग्स है वो यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि जो ओरिजिनल कंट्रोलर है वहाँ पर कोई हॉल इफेक्ट सेंसर्स लगा हुआ नहीं है, बट सेज कंट्रोलर का ये जो DualSense कंट्रोलर है, सेज कंट्रोलर ने वाकई में हॉल इफेक्ट सेंसर्स इंस्टॉल किया है। सेज कंट्रोलर ने ये मेक श्योर किया है कि इस कंट्रोलर में बेस्ट क्वालिटी का हॉल इफेक्ट स्टिक्स ऐड किया जाए और इसीलिए इन्होंने 3 अलग अलग ब्रांड्स का हॉल इफेक्ट स्टिक्स का बेस्ट पार्ट्स को असेंबल करके एक एनालॉग जॉयस्टिक तैयार किया है जो कि इसमें लगा हुआ है और दोनों ही स्टिक्स के लिए सेपरेट कंट्रोलर बोर्ड भी है इसमें, यानी कि मॉड चिप। इससे बाई चांस इन फ्यूचर कभी भी इन स्टिक्स पर थोड़ा सा भी अगर स्टिक ड्रिफ्ट आए तो मैं इनको बहुत ही आसानी से घर बैठे रिकैलिब्रेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट इन्होंने रिकैलिब्रेशन प्रोसेस को इतना ज़्यादा आसान बना रखा है ताकि लोग सोनी का जो रेवोल्यूशनरी स्टिक ड्रिफ्ट फीचर है उसको हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए और राज हो सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइज एंड स्मूथ एमिंग का। यह हॉल इफेक्ट स्टिक्स प्री कैलिब्रेटेड आता है तो यहाँ पर आपको रिकैलिब्रेशन का कोई भी जरूरत नहीं है, बट आप चाहो तो अपना टांग खुद भी उड़ा सकते हो। तो इन हॉल इफेक्ट स्टिक्स को कैलिब्रेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो भी स्टिक को आप कैलिब्रेट करना चाहते हो, अगर आपको उसका डेड जोन या फिर स्टिक ड्रिफ्ट आ रहा है उसमें, उसको कैलिब्रेट करना है, उस स्टिक का जो मिडिल बटन है यानी कि L3 या फिर R3 को प्रेस करते हुए आपका जो USB केबल उसको यहाँ पर डालना है, जिससे ये डेड जोन कैलिब्रेशन मोड पर चला जाएगा। और उसके बाद आपका जो पॉइंटर है उसको आपको एकदम बीच में लाना है ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद एक बार आप सेटिस्फाई हो गए कि वो एकदम बीच में है तो उसके बाद उस सेटिंग को सेव करने के लिए आप सिंपली वापस R3 या फिर L3 दबाओ, जो भी स्टिक को आप कैलिब्रेट कर रहे हो, तो आपका जो स्टिक ड्रिफ्ट इशू है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद इसका सर्कुलरिटी कैलिब्रेशन के लिए आपको क्या करना है, ये भी बहुत ही सिंपल है, सेम चीज़ आपको दोहराना है, बट इस बार आपका जो स्टिक है उसको यहाँ पर राइट या फिर लेफ्ट टिल्ट करके आपका USB को प्लग करना है, जिससे ये सर्कुलरिटी कैलिब्रेशन मोड पर चला जाएगा। और उसके बाद आपको एक गोल गोल घुमाना है स्टिक को, आराम से गोल गोल घुमाना है, और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, वापस उस स्टिक का जो मिडिल क्लिक है उसको यहाँ पर प्रेस कर देना है, जिससे वो सेटिंग जो है सेव हो जाएगा। एंड लास्ट मोड पे आप इसका रेंज को कैलिब्रेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सेम चीज़ USB प्लगइन के टाइम आपको ये जो L3 बटन है या फिर R3 बटन है उसको प्रेस करते हुए राइट
पर यहाँ पर लीन कर देना है, जिससे ये रेंज मोड पर चला जाएगा या फिर रेंज कैलिब्रेशन मोड पर चला जाएगा। यहाँ से आप इन एनालॉग स्टिक्स का रेंज को यहाँ पर कैलिब्रेट कर सकते हो या फिर डाल सकते हो कि कहाँ तक ये एनालॉग स्टिक्स जाएगा या फिर रीड करेगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनको कैलिब्रेट कैसे करना है, तो जैसे सुना मैंने एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ से जाके आप वो वाला वीडियो को देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इन स्टिक्स को यहाँ पर कैलिब्रेट कैसे करते हैं। अब मुझसे पूछो तो स्टिक ड्रिफ्ट वाला इशू ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा बेटर था मेरे हिसाब से सोनी का ओरिजिनल कंट्रोलर में, क्योंकि मुझे गुस्से में जब स्टिक ड्रिफ्ट आता है तब अपने कंट्रोलर को पटकना ज्यादा पसंद है। बट सेज ड्यूलसेंस कंट्रोलर के साथ आपको किसी भी तरीके का स्टिक ड्रिफ्ट इशू देखने को नहीं मिलता है। बट आपको क्या अच्छा लगता है, स्टिक ड्रिफ्ट या फिर नो स्टिक ड्रिफ्ट, वो आपके ऊपर है। अब मैं इस कंट्रोलर के साथ ज्यादा देर तक एंड ज्यादा एक्यूरेटली गेमिंग कर पा रहा हूँ, जिससे मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है गेमिंग में, ऑल थैंक्स टू सेज कंट्रोलर। सो फाइनली मेरा ओपिनियन की बात करें तो सेज कंट्रोलर ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरा सीधा साधा DualSense कंट्रोलर को इतना कूल बनाकर। अब ये 10 बंदी पटाएगा क्योंकि दिखने में स्टाइलिश बन चुका है, काफी कूल बन चुका है, एंड फिनिशिंग तो भाई माशाल्लाह। नहीं करना चाहता हूँ तारीफ यार, बट ऑटोमेटिकली निकल रहा है। और इसमें इन्होंने जो नया हॉल इफेक्ट सेंसर्स लगाया है स्टिक ड्रिफ्ट का मरर करके, वो मेरे हिसाब से स्टिक ड्रिफ्ट क्वालिटी है। हालांकि आप अपना सीधा साधा DualSense कंट्रोलर के ऊपर इससे भी ज्यादा टॉर्चर करवा सकते हो इनका वेबसाइट में जाकर, जो कि www.sagecontroller.com, या फिर आप ऊपर वाला वीडियो भी देख सकते हो उसके लिए। टॉर्चरिंग के लिए आप इसके पीछे चार चार पेडल्स एक साथ डलवा सकते हो, इसका रंग रूप सब कुछ चेंज कर सकते हो अपने स्टाइल के हिसाब से, और जैसे इसका ट्रिगर को दबाते ही बिल्कुल अंदर जा रहा है, तो अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको इसको सॉलिड रखना है, एकदम सॉलिड, तो आप इसमें क्लिक के ट्रिगर्स भी लगा सकते हो, जिससे ये अंदर बाहर नहीं जाएगा। बाय द वे गाइस, जोक्स अपार्ट, अगर आपको आपका DualSense कंट्रोलर का कस्टमाइजेशन करना है तो इनके अलग अलग रेट्स हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स लगवाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3000 का कॉस्टिंग पड़ेगा। सिंपली आपको क्या करना है, आपका जॉयस्टिक को इनके एड्रेस पर भेजना है और वो हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स को इंस्टॉल करके आपके एड्रेस पर भेज देगा। अगर आपको DualSense कंट्रोलर में सॉफ्ट पिन कराना है, पीछे चार चार पैडल्स वगैरह लगाना है जैसे कि मैंने यहाँ पर करा रखा है, तो आपको कॉस्टिंग पड़ेगा अराउंड 4800 रुपए का। ऊपर से अगर आप मॉड चिप वगैरह लगाते हो तो आपको मॉड चिप के लिए एक्स्ट्रा करके 2500 रुपए देना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक लगवाना चाहते हो, जिससे आपका PS5 कंट्रोलर का जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पर इन्फिनिट हो जाएगा, तो सेज कंट्रोलर वाले आपको करा के दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए में, जो कि बहुत सारे फॉरेन कंट्री से भी काफी सस्ता है, वो भी इंडिया में। एंड ये इंडिया का एक लौता ब्रांड है जो कि यहाँ पर इतना अच्छा कस्टमाइजेशन एंड इतना अच्छा रेवोल्यूशनरी फीचर्स आपके जॉयस्टिक पर ऐड कर सकता है। बस आपको अपना DualSense कंट्रोलर इनको भेजना है और बताना है कि आपको इस कंट्रोलर में क्या क्या मॉडिफिकेशन कराना है, एंड ये आपको एकदम प्रोफेशनली एंड अच्छे फिनिशिंग के साथ करके दे देंगे। बाय द वे ये लोग रिपेयर सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर आपका DualSense कंट्रोल में कोई दिक्कत आ रहा हो, इनके पास आप भेज दो, ये आपको बिल्कुल सही करा के दे देगा। और अगर आप इनसे कोई भी मॉडिफिकेशन कराते हो अपने DualSense कंट्रोलर में, तो जो मॉडिफिकेशंस हैं उनके ऊपर आपको 6 months का एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलता है, जिसको आप अवेल कर सकते हो सिंपली एक रिव्यू डालकर, आपका ऑनेस्ट रिव्यू डालकर, या तो आप गूगल में डाल सकते हो या तो आप अमेजोन में डाल सकते हो, जहां पर भी आपका मर्जी वहां पर डाल सकते हो, जिससे आपको इन मॉडिफिकेशंस पर किसी भी तरह का दिक्कत आता हो तो आपको 6 months का एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलता है इसके साथ। और सच बताओ तो सेज कंट्रोल का जो प्राइसिंग है हर एक चीज का, वो इनफैक्ट बाहर के कंट्रीज से भी काफी सस्ता है। नॉर्मली जो बाहर के कंट्रीज है वो आपको सस्ते में करा देते हैं, बट आपको इंडिया में यही एक लौता ब्रांड है जो आपको PS5 कंट्रोलर के ऊपर इतना सारा मॉडिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं, वो भी एकदम प्रोफेशनली। इनका पेंट जॉब बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है, इनका हर एक मॉडिफिकेशन बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, और इन पर आपको वारंटी भी मिल रहा है। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि सेज कंट्रोलर का ये जो मॉडिफिकेशन है, इंक्लूडिंग हॉल इफेक्ट सेंसर्स एंड जो पेंट जॉब है, वो आपको कैसे लगा, इनका फिनिशिंग आपको कैसे लगा, डिज़ाइन वगैरह कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इसी तरीके का मस्त मस्त वीडियोस आगे भी हमारे चैनल में देखना है, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटा बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम ऑसम कंट्रोलर रिलेटेड, कस्टमाइजेशन रिलेटेड वीडियोस हमेशा इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसे ही धासु एंड कस्टमाइज्ड कंट्रोलर के साथ, तब तक के लिए बाय।